चंदौसी में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल, एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली। चंदौसी कोतवाली अंतर्गत गांव नेता के पास पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और कॉम्बिंग करके अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र गांव नेहटा में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक त्रिवेंद्र कुमार शर्मा चेकिंग कर रहे थे कि सामने से बाइक पर कुछ संदिग्ध आते दिखाई दिए। रोकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही करते हुए जवाब प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा की टीम ने भी फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में बदमाश की गोली लगी। गोली लगने पर बदमाश 10,000 का इनामी प्रदीप पर अन्य थानों में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान भी घायल हुआ है। मुठभेड़ की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कॉम्बिंग की। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने काफी छानबीन की। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया और बदमाश के बारे में जानकारी हासिल की। बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली से घायल बदमाश आपराधिक किस्म का है और इस पर अन्य जनपद में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। थाना चंदौसी के अंतर्गत ये नेहटा रोड के पास में एक स्थान पर जहां SHO चंदौसी द्वारा चेकिंग की जा रही थी तथा ये दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पर थे, ये वहां पर फायरिंग करते हुए भागे। जब इनका पीछा करने के बाद इनको यहां रोका गया तो इन्होंने एक फायर और किया। जवाबी कार्रवाई में जो एक बदमाश है प्रदीप कुमार, इसके पैर में गोली लगी है। बाद में जानकारी में पता चला कि ये 10,000 रुपये का इनामी थाना अमरोहा देहात से है, जहाँ पर ये चोरी और अटेम्प्ट मर्डर के मुकदमों में वांछित चल रहा था। गैंगस्टर एक्ट भी इसके ऊपर लगा हुआ है, उसमें भी ये वांछित था। इसके पश्चात इसकी जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है ये चोरी की बाइक पर यहाँ पर जा रहे थे और इनके पास से एक 315 बोर असला बरामद हुआ है, साथ में 5 जिंदा कारतूस और एक खाली गोला भी यहाँ से बरामद हुआ है। तो जो एक फरार हो गया है और उसके साथ में एक हमारे कॉन्स्टेबल के भी चोट लगी है, तो जो कांस्टेबल और इस अपराधी को दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है जहां इनका आगे की कार्रवाई की जा रही है।